चलिए देखिए लॉजिक गेट, बातें नहीं करो राजन, लॉजिक गेट बात सुनिए। अगर आप लोगों के पास, चाहे आपकी मम्मी ने या डैडी ने आपको एटीएम दिया, बोला जा पैसे निकालो, क्या पैसे निकलेंगे? ना, जब तक पिन नहीं। पिन का मतलब है जब आप वो तिजोरी तभी खुलेगी जब उसका कोड आप लोगों को, वरना इधर देखो, लॉजिक गेट का मतलब होता है इट इज ए डिजिटल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट होते हैं लॉजिक गेट्स, विच आइदर अलोज द सिग्नल टू पास आर स्टॉप्स। देखो ये एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को पास करने देता है या रोक देता है, उसको बोलते हैं गेट। जो सिग्नल को जाने देगा या रोक देगा उसको बोलते हैं गेट। क्या बोलते हैं? ए डिजिटल डिवाइस विच आइदर अलोज द सिग्नल टू पास आर स्टॉप्स इज कॉल्ड ए गेट, सिंपली गेट। गेट चाहे आप लोग, गेट सिग्नल को रोक सकता है या जाने देगा, उसको बोलते हैं गेट। ये दरवाजा नहीं है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अच्छा, आप बोलोगे किस सिग्नल को जाने देगा, किसको सिग्नल को जाने देगा? देखो ये दरवाजा तभी खुलेगा जब इसको आप प्रॉपर कोड लगाओगे, प्रॉपर कोड नहीं लगाओगे ये दरवाजा। हाँ, इट अलोज द सिग्नल टू पास थ्रू इट व्हेन इट सेटिस्फाइज सम लॉजिकल कंडीशंस। जब ये कोई लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाने देगा सिग्नल को, वरना रोक देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉजिक गेट, क्योंकि ये किसी लॉजिक पर काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉजिक गेट। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा, तुम लोग ध्यान से सुनो। गेट, पहले गेट मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इसको लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं। ये सीखो इस तरीके से ताकि आप लोग आपस में फिर सिखा सकते हो। लॉजिक गेट, इट इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच आइदर अलोज टू सिग्नल टू पास आर स्टॉप्स इज कॉल्ड ए गेट, इज कॉल्ड ए गेट। दिस गेट अलोज द सिग्नल टू पास थ्रू इट ओनली if it satisfies some logical conditions, that is why it is called logic gate. Zara batao, what is now logic gate? A digital electronic circuit which either allows the signal to pass or stops is called a gate. This gate allows the signal to pass through it only if it satisfies some logical conditions. That is why it is called logic gates. There are three types of basic logic gates. और एक logic gate जरूर पूछेंगे आपको पेपर में, एक तीन में से एक। There are how many basic logic gates? Basic logic gates कितने हैं? तीन basic logic gates. Basic logic gates है बेटा तीन, उनमें से सबसे पहला gate है OR गेट। OR गेट कैपिटल में दोनों लिख रहे हैं, स्मॉल में नहीं लिख सकते। OR गेट पहला बेसिक लॉजिक गेट क्या है? OR गेट। दूसरा बेसिक लॉजिक गेट है AND गेट, तीनों लिखने हैं कैपिटल में। ये नाम है, ये इंग्लिश का AND नहीं है, ये AND गेट है, डिवाइस का नाम है AND गेट। और तीसरा है, याद रखना बेटा, तीसरा है NOT गेट। ये तीन बेसिक लॉजिक गेट्स है, ओ ये तीन बेसिक लॉजिक गेट्स है। कितने बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं? कौन कौन से? OR गेट, AND गेट, NOT गेट। OR गेट, AND गेट और ये तीन बेसिक लॉजिक गेट्स। बाद में और दो लॉजिक गेट्स है उनको अलग से, बेसिक लॉजिक गेट से थी। आप लोग पिछले 10 साल के पेपर देख लीजिए, 10 साल लगातार
कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें इनमें से नहीं पहुंचेगा। 10 साल के लगातार पेपर देख सकते हैं, जरूर इनमें से पहुंचेगा। तो आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, तीन नंबर आपको ऐसे ही उठाने हैं। एक एक करके मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। तुम लोगों को यहां तक आना चाहिए, व्हाट इज लॉजिक गेट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स आर। How many types of basic logic gates? There are three basic logic gates. First one is OR gate, फिर AND gate, और अब OR gate करेंगे हम शुरू। देखो, what is OR gate? क्या-क्या इसमें होता है? वो एक question अगर मुझे हो गया, मान लीजिए ये दो question भी हो गए, एक question आज होना चाहिए, कोशिश करेंगे आज पूरा OR gate होने के लिए। OR gate अगर समझ आएगा आपको, फिर मैं एंड गेट अगर मैं वीडियो भी डाल दूंगा तब भी समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं समझ आएगा, फिर उससे एंड गेट भी समझ आएगा, नॉट गेट भी समझ आ सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो पर ही रखा फिर कुछ नहीं समझ आएगा। पहले एक सीखना जरूरी है, और ये याद रखना, ये किन पर काम करते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग सर्किट्स पर, एनालॉग सिग्नल्स पर काम नहीं करते। ये किन पर करते हैं? डिजिटल जीरो और वन पर। जीरो मीन्स लो, वन मीन्स हाई, जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन, जीरो मीन्स लो, वन मीन्स हाई। तो ये उन पर काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए पार्ट है क्वेश्चन का। देखो, व्हाट इज आर गेट, व्हाट इज आर गेट, इसका फोटो भी मैं सेंड कर दूंगा जब मैं घर पर पहुंच जाऊंगा, तो वो देख लेना। याद नहीं करना, याद सारा यहां पर ही कराऊंगा, लेकिन देख लेना एक बार बस। आर गेट गिव द सिंबल, गिव द सिंबल, बोलन एक्सप्रेशन, बोलन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ठीक है बेटा, और लॉज एंड एनालॉगी सर्किट। सर्किट ऑफ आर गेट, देखो 100 बार आया होगा ये क्वेश्चन, चाहे इसमें थोड़ा सा काट के देते हैं, तुम लोग मोस्टली आएगा आपको क्वेश्चन इस तरीके से, गिव द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ आर गेट। दोनों सिंबल का एक नंबर, ट्रुथ टेबल का एक नंबर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ब्रेक करके। ज्यादातर यही पूछेगा, गिव द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल मोस्ट। लेकिन सिखाऊंगा मैं सारा, बोलन एक्सप्रेशन सब सिखा दूंगा। देखो जो डेफिनेशन है इसकी आर गेट की, वो बाद में आएगी, पहले नहीं आएगी, क्योंकि पहले आप लोगों को पता नहीं चलेगा, डेफिनेशन याद नहीं रहेगी। जब मैं आगे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन फिर आएगी डेफिनेशन, फिर से वापस आना है। सिंबल से हम शुरू करेंगे, डेफिनेशन पर बाद में आएंगे। सिंबल आर गेट में फिर से बताऊंगा आपको, सिंबल जैसे मैं ड्रा करूंगा वैसे ही पेपर में करना, आप लोग अपनी मर्जी से नहीं ड्रा कर सकते। सिंबल है आर गेट का ऐसे, इधर देखो, पहले आप लोगों को ऐसे लग सेमी सर्कल ड्रा करना है, फिर आपको ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे यहां से लेना, प्रियंका सीखो पहले बनाना, ये और ये, इसको बोलते हैं इन दो को ए और बी, इनको बोलते हैं इनपुट्स। क्या बोलते हैं? इनपुट। सिंबल तो ये जरूरी नहीं है बनाना, ये आपको समझा रहा हूं, इनको बोलते हैं इनपुट्स। आप लोग कोई और शेप दोगे वो गलत, शेप जरूर यही देंगे, क्योंकि किताबों पर जब यहां कहीं पर बना होगा ये, तो आपको अंडरस्टैंड करना है दिस गेट इज आर गेट। ये किसका, कौन सा गेट? आर गेट। और इधर देखो, यहां से लेना पड़ता है आउटपुट, क्या लेना पड़ता है? आउटपुट, आउटपुट होता है वाई,
क्या होता है वाई, इसका आउटपुट आर, ये आर गेट का सिंबल है, आउटपुट निकलेगा इसका एडिशन करके, क्या करके ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये है सिंबल किसका। अभी मैं बता रहा हूं, मुझे थोड़ा आगे आगे बढ़ने दो, तब तुम लोगों को ज्यादा ज्यादा समझ आने लगेगा। ये मैंने सिर्फ अभी तक क्या बनाया बेटा, एक बात याद रखना, ये दो इनपुट्स के लिए सिंबल है और तुम लोगों को यही बनाना। अगर तीन इनपुट्स का सिंबल आप लोगों को कोई बताएगा ना बनाओ, क्या बोलेगा, तो यहां पर एक और इनपुट डाल दीजिए, ये हो गया सी, मगर वाई क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। कितने इनपुट्स के लिए सिंबल बनाया, अगर चार इनपुट्स, इसका मतलब है आर गेट में देखो क्या होता है, आर गेट में मनी इनपुट्स होते हैं, बट ऑलवेज देयर इज वन आउटपुट। व्हाट इज आर गेट, इट इज ए डिजिटल सर्किट विच हैज मनी इनपुट्स बट ऑनली, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैं बता रहा हूं, प्रॉपर डेफिनेशन अभी आनी है। आर गेट में क्या होता है, मनी इनपुट्स हो सकते हैं लेकिन आउटपुट, ये कितने, ये कितने पर है, दो इनपुट्स पर। तो अगर मैं एक और इनपुट डालूंगा तो कितने इनपुट्स पर, शाबाश बेटा, इसको बोलते हैं सिंबल, क्या बोलते हैं, ये किसका सिंबल है, शाबाश बेटा। अभी रुकना आप लोग, अभी इधर की तरफ देखो, सिंबल के बाद आता है बूलियन एक्सप्रेशन, जॉर्ज बूले इसको बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, उसी पर जिसने बूलियन अलजेब्रा दी है मैथ में, बूलियन अलजेब्रा इसी के नाम पर है। अब मैं बूलियन एक्सप्रेशन दे रहा हूं, बूलियन एक्सप्रेशन क्या, देखो कैसे देते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, कैसे लिखोगे पेपर में, ए ये वाला, ए बीच में लिखना है आर, ए आर बी, ए आर बी, क्या मतलब है, जॉर्ज बूले क्या बोलना चाहता है, ए आर बी का मीनिंग, ये हो गया आउटपुट में, आउटपुट में इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी, ए प्लस डी, इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब जब मैं ए आर बी लिखूंगा कहीं पर, वो उसका मतलब हो गया ए प्लस डी, क्या, अगर मैंने ए ए और बी दे दिए इनपुट पर, आउटपुट पर आर में क्या मिलेगा, इसका मतलब बूलियन एक्सप्रेशन में आर का मतलब क्या होता है, प्लस, आर का मतलब क्या होता है, मगर किस एक्सप्रेशन में, बूलियन एक्सप्रेशन में आएगा, ये लिखना सिंबल आएगा बनाना, ये अब जो सीखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब हो गया कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, जैसे तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में की है, बात सुनिए, कितने इनपुट्स है, कितने इनपुट्स है, कॉम्बिनेशन बनती है 2^2, कितनी बन गई, 4। अगर तीन इनपुट्स होते हैं, यहां पर मैं दिखाऊंगा, तीन इनपुट्स के लिए, ओ बेवकूफ, तीन इनपुट्स के लिए 9, इधर देखो, तीन इनपुट्स के लिए बनेंगे 2^3, कितने बन गए, 8, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगी। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं बताता हूं, अगर मैं आप लोगों को ₹1 के दो कॉइन देता हूं, कितने, क्या क्या हो सकता है उसमें, या टॉस करने के वक्त, या दोनों टेल, या दोनों हेड, या एक टेल या एक हेड, कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा कितनी बनेगी, 4, तभी तो लिखा मैंने 2^2, कितना बना, 4। अगर तीन क्वाइंस दूंगा ₹1 की, कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, मगर आप लोगों को आधा घंटा लगेगा उनको कॉम्बिनेशन ढूंढने में, हेड टेल हेड 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 टेल, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को मैं 1 सेकंड में कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा बनाना, बूलियन अलजेब्रा में 2 या 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा कॉम्बिनेशन ढूंढने में। तुम लोग एक एक क्या आप लोग देख सकते हो, अभी 1 मिनट में आप लोग कॉम्बिनेशन सारी बनाओगे और कभी गलती नहीं होगी, चाहे 8 पर बनाओ, चाहे 18 पर बनाओ, चाहे जितने पर भी बनाओ, मिनटों में काम करोगे।
ये कॉम्बिनेशन एक सेकंड में कोई रिपीट नहीं होगी, वरना अगर आप कॉपी पर करोगे हेड टेल हेड हेड टेल हेड रिपीट भी होगा, कॉम्बिनेशन भी पूरी नहीं होगी और टाइम लगेगा। इधर में आप लोगों को ट्रुथ टेबल यही होता है, ट्रुथ टेबल होता है कॉम्बिनेशन, कितनी नंबर आप कॉम्बिनेशन है और सीखो बनाना, सीखे बनाना तो आसानी होगी, नहीं सीखे तो ऐसे ही रह गए। कॉम्बिनेशन कितने इनपुट्स है, तीन पर भी मैं दिखाऊंगा, यहां पर तीन पर दिखाऊंगा, यहां पर दो पर दिखाऊंगा, वो सीखो पहले। इशिका इधर देखो कितने इनपुट्स है, दो पहले लिखना है यहां पर इनपुट्स, क्या लिखना है इनपुट्स, ये तो टेबल ड्रा करना है, असली काम तो इसके अंदर करना है। यहां पर लिखना है आउटपुट, क्या लिखना है आउटपुट, क्या लिखना है आउटपुट। इनपुट्स कितने हैं, दो हो गया, ए और बी, यही है इनपुट। शाबाश बेटा, आउटपुट पर क्या लिया है वाई, कितना होता है ए प्लस बी। आप देखो ये तो दो इनपुट्स के लिए, राहुल सीखना है, ये अगर तीन इनपुट्स होते सी तब ये टेबल नहीं काम करेगा, तब टेबल यहां बना रहा। और मेरा काम है आपको एक बार सिखाना और पूरी जिंदगी के लिए आप लोगों को याद करवाना, बाद में तुम लोगों की मर्जी। इधर देखिए कितने इनपुट्स बने इसमें, इनपुट्स, शाबाश बेटा अच्छी तरीके से, ठीक है इनपुट्स कितने, लक्ष्य कितने, ए बी सी, ऐसे शुरू करना होता है, ठीक है। यहां पर क्या है आउटपुट, एक होता है कि आउटपुट्स होते हैं, एक ही होता है आउटपुट, आउटपुट्स नहीं होते हैं, आउटपुट होता है। तो शाबाश बेटा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब सीखना है, मैंने बताया यहां पर आठ कॉम्बिनेशन बनती है, कितनी, अगर चार होगा तो 16 कॉम्बिनेशन बनेगी। चार के लिए रख पर घर पर ट्रुथ टेबल बनाना, चार के लिए, जब मैं सिखाऊंगा आपको दो तीन के लिए, चार के लिए भी बना सकते और सीख लो। देखो कैसे, मैंने बताया डिजिटल सर्किट किस पर काम करती है, जीरो और जो बी है, जो सी है, जो लास्ट इनपुट है, कौन सा लास्ट इनपुट से शुरू करना है। इधर देखो क्या करना है, ओ ध्यान से सीखो, यहां पर क्या करना है, ये लिखना है 0101, आएगा लिखना, जीरो से शुरू करना है, क्या लिखना 0101, क्या लिखना 0101, फिर लिखना है ए में 0011, कितना टाइम लगेगा, दो सेकंड ही लगेगा, कॉम्बिनेशन कोई रिपीट नहीं होगी, कॉम्बिनेशन कोई रिपीट नहीं होगी, देखो कोई कॉम्बिनेशन रिपीट है इनमें, कोई कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं, यहां तो दोनों जीरो हो सकते हैं, यहां एक जीरो एक वन, यहां एक वन एक जीरो, यहां दोनों, कितना टाइम लगे। आप मैं अभी इस पर आता हूं, अगर तुम लोगों को इसमें कितनी कॉम्बिनेशन बनानी है, कितनी, इसका मतलब जीरो और वन कितनी बारी लिखने हैं, चार बारी, चार बारी लिखने पड़ेंगे ना, तब आठ बनेंगे। इधर देखो सी से शुरू करना, सार्थक सीख लो, 010101 बन गए, आप छह ही बने, 010101 आठ बने, क्योंकि ये पता होना चाहिए 2^3 इज 8, बन गए आप आठ बन गए। दूसरे में देखो क्या करना है, 00100 लाइन में, ठीक है उसकी सीध में। फिर देखो आप इसमें क्या करना, इसमें लिखने हैं 40 41, कोई रिपीट नहीं होगी, अगर एक भी रिपीट होगा मैं यहां पर कॉम्बिनेशन कितने बनाने में, वो मैंने आपको तीन कॉइन दे दिए, हेड टेल बनाओ, कितना टाइम लगा, कुछ एक मिनट भी नहीं लगा। ये कॉम्बिनेशन चार के लिए अगर बनाओगे, अब आप लोग बोल रहे हैं चार के लिए, चार के लिए डी होगा, डी से शुरू करना है, यहां पर ए में पता क्या आएगा 8081 80, इसमें आएंगे 4041 4041, क्योंकि 16 बननी है। फिर लास्ट में क्या आएगी 80, बनाने में कितना टाइम लगेगा, आठ
चार इनपुट्स पर भी कॉम्बिनेशन बनाने में आपको एक टाइम मिनट भी नहीं लगेगा। मुझे बता टेबल सीधा बनाना कि नहीं, याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना, ये देख करना है 0 1 0 1 0 इस तरीके से। अगर चार है तो चार ही इनपुट, दो ही दो इनपुट से तो चार कॉम्बिनेशन है, तीन इनपुट से तो कितनी कॉम्बिनेशन है, कैसे शुरू करोगे जरा फिर से बताओ। अगर तुम लोगों को मुश्किल हो जाता है क्या करोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 ठीक है, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 अब क्या मसला, इसमें मजा लगता है बनाने। चलिए यार शाबाश, इधर देखो ये बाइनरी एडिशन है, तो ये जीरो और जीरो ये बाइनरी नंबर्स है, टू नहीं होता इसमें, थ्री नहीं होता इसमें, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, हाँ आप सुनो, जीरो प्लस जीरो बोलो, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन प्लस जीरो, वन प्लस वन टू, होता ही नहीं, वन प्लस वन इज अगेन वन, वन प्लस वन बाइनरी में टेन होता है, टेन का मतलब है टू, टेन देख लेना, टेन का मतलब क्या होता है टू बाइनरी में, अगर टेन बाइनरी से कहां जाओगे डेसिमल में, वो आएगा टू, क्या आएगा, क्या आएगा टेन का मतलब होता है टू, टू वन प्लस वन बोला ना आप लोगों ने, टू टू नहीं होता है, यहां क्या लिखना है वन। अब सुनो इधर आओ, ये आएगा जीरो, बाकी सारा आएगा वन, आप करो कॉम्बिनेशन, करो कॉम्बिनेशन सारे, क्योंकि हर किसी के साथ वन है। आप डेफिनेशन आएगी, तुम लोगों को मुझे बताना है जीरो का मतलब है, आज के बाद याद रखना, जीरो मीनस लॉजिक जीरो स्टेट, लॉजिक जीरो स्टेट का मतलब होता है ऑफ स्टेट, लॉजिक जीरो स्टेट का मतलब और लॉजिक वन स्टेट का मतलब, लॉजिक वन स्टेट का मतलब होता है ऑन स्टेट। देखो आप डेफिनेशन तुम लोग बोल सकते हो, कब आप लोगों को मिलेगा वन आउटपुट में, है आउटपुट में कब मिलेगा वन, अच्छा आउटपुट में कब मिलेगा जीरो, इधर देखो आउटपुट ये है, बेवकूफों आउटपुट में कब मिलेगा जीरो, जब दोनों इनपुट्स किस पर हो, ये तो आप लोगों को बोलो, जब दोनों इनपुट्स किस पर हो आउटपुट क्या मिलेगा, अगर एक भी इनपुट वन पर है, एक भी इनपुट चाहे एक या सारे, चाहे एक इनपुट हो वन पर या सारे इनपुट हो, आउटपुट क्या मिलता है, ये डेफिनेशन फिर से बता, पहले आउटपुट कब मिलेगा जीरो, जब सारे इनपुट जीरो, ये यहां तक ठीक है, आउटपुट कब मिलेगा वन, जब एक भी इनपुट किस पर हो, जब एक भी इनपुट वन पर हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, यही पढ़ना, पहले मुझे बताओ आउटपुट कब मिलेगा जीरो, जब सारे इनपुट जीरो, आउटपुट कब मिलेगा वन, जब एक भी इनपुट किस पर होगा, आउटपुट वन, आउटपुट वन। देखो कैसे, इन आर गेट, इन आर गेट द आउटपुट इज सेट टू बी एट सेट एसईटी, इन आर गेट द आउटपुट इज सेट टू बी at logic zero state, that is shabash, phir se, in OR gate the output is set to be at logic zero state, that is when all the inputs are at logic zero state, that is inko bolte hain logic zero state, inko logic zero state ko hi bolte hain OR state। kab milega output aapko zero,
जब सारे इनपुट इस स्टेट पर होने चाहिए, लॉजिक 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 जीरो स्टेट का मतलब यही पढ़ना है, पढ़ो। द आउटपुट इज सेट टू बी एट लॉजिक दैट इज व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक दैट इज बताओ निश्चित किस तरीके से आपको आदि डेफिनेशन बताओगे आर गेट की। बिल्कुल ठीक, आप सुनो। द आउटपुट इज सेट टू बी एट लॉजिक वन स्टेट, द आउटपुट इज सेट टू बी एट लॉजिक व्हेन वन ऑफ द इनपुट्स आर एट लॉजिक वन स्टेट दैट इज ऑन स्टेट। अगर एक भी इनपुट किस पर होगा, लॉजिक वन स्टेट पर, दैट इज आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, कब, जब एक भी इनपुट चाहे ए या बी किस पर होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा। पढ़ो पूरी डेफिनेशन पढ़ो। द आउटपुट इज सेट टू बी एट लॉजिक जीरो स्टेट दैट इज व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक जीरो स्टेट दैट इज ऑफ। शाबाश। द आउटपुट इज सेट टू बी एट लॉजिक वन स्टेट दैट इज when all when nahi when one of the inputs when one of the inputs are at logic bolo bol sir the output is set to be at zero logic zero state that is off state when all the input are at zero logic zero state that is off state and the output is said to be at logic one state that is on state when any one of the input is at logic one state that is on state। बिल्कुल ठीक। तुम लोगों को समझ आया है, इससे ट्रुथ टेबल से देखना है वो, और मैंने इसीलिए ट्रुथ टेबल से पहले डेफिनेशन नहीं बोली क्योंकि इसी में बनती है। आउटपुट कब मिलेगा जीरो, जब सारे इनपुट किस पर हो, लॉजिक जीरो स्टेट दैट इज। आउटपुट कब मिलेगा वन, जब एक भी इनपुट किस पर होगा, किस में, आर गेट। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। बनाना आएगा, ट्रुथ टेबल के बाद आता है और लॉस। क्या आते हैं, इन लॉस नहीं, आर लॉस, आर लॉस। इधर देख लीजिए, आर लॉस, पहला ला फर्स्ट ला, इसी पर फर्स्ट ला है जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ। शाबाश। इधर देखो सेकंड, जीरो प्लस वन, ये वाले कॉम्बिनेशन वन। तीसरी कॉम्बिनेशन शाबाश, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। फोर्थ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं और लॉज। क्या बोलते हैं, और लॉज। अब आएगी एनालॉगी सर्किट। क्या आएगी, एनालॉगी सर्किट, जिससे मैं ये प्रूव करूंगा ये सारे लॉज, उसको बोलते हैं एनालॉगी सर्किट। देखो एनालॉगी सर्किट से मैं पूरे लॉज वेरीफाई करूंगा। देख लीजिए, ये है एक स्विच ए, और यहां पर लगाया है दूसरा स्विच इसी के साथ पैरेलल बी, ऐसे यहां पर लगा दिया मैंने एक बल्ब, ये बल्ब, और यहां से लगा दी मैंने बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी या 5 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए जिससे करंट चले। चारों कंबिनेशन मैं इसमें वेरीफाई करके दूंगा। ऑन कब होगा बल्ब, ऑफ कब रहेगा बल्ब, तुम लोग वेरीफाई करना इन लॉज को। इधर देखो सारे लॉज को देखो, लॉजिक गेट क्यों कहते हैं इसको। पहला, जब ए बी जीरो पर है, बी बी जीरो पर, ए बी जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन। स्विच अभी ऑन है कि ऑफ है,
स्विच ऑफ है, ये भी जीरो पर है, ये भी जीरो पर है, यहां से करंट आए, करंट पार होगी, बल्ब जगेगा, बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा कि नहीं, इसका मतलब जीरो प्लस जीरो क्या बन गया, इसका मतलब ऑफ प्लस ऑफ अगेन हो गया वेरीफाई एक लाख के नहीं, सुना वेरीफाई समझ आए, ये भी जीरो पर, ये भी जीरो पर, बल्ब ऑफ, बल्ब ये स्विच भी ऑफ, ये स्विच भी ऑफ, ये बल्ब नहीं जगेगा कुछ भी करिए। अब दूसरा खुद देखो, ए क्या है, ए क्या है, ए जीरो पर, बी बी वन पर, इधर देखो ये मैंने ऑन कर दिया, जोड़ दिया, आप देखो ये वन पर है, आप सुनो करंट यहां से आई, यहां से आई, इधर जाएगी, इधर से आएगी, इधर जाएगी, बल्ब के पास पहुंची करंट, बल्ब जगेगा कि नहीं, ऑन होगा कि नहीं, जीरो प्लस वन क्या बन गया, इस वक्त ऑन, बल्ब ऑन इस वक्त, समझ आया। आप देखो क्या है तीसरी कॉम्बिनेशन, ए वन बी, इस वक्त ये वन पर है और ये करंट कहां से चलेगी, इस ए से, यहां से आएगी करंट, बल्ब में जाएगी, जगेगा बल्ब, बल्ब ऑन होगा, बल्ब ऑन फिर से, शाबाश बेटा, देखो कितना मजेदार बच्चा, शाबाश। लास्ट जब दोनों वन, ये भी वन पर, ऊपर वाला भी वन पर, करंट दोनों से पास होगी, बल्ब के पास पहुंचेगी कि नहीं, ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन, ठीक है। इसको बोलते हैं एनालॉगी सर्किट, क्या बोलते हैं, एनालॉगी सर्किट, क्या बोलते हैं इसको, एनालॉगी सर्किट। अब आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या तुम लोगों को रह गया है जो आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। पहले मैंने आर गेट बताया, आर गेट में कितने इनपुट्स हो सकते हैं, मैनी, आर गेट्स में क्या हो सकते हैं, मगर आउटपुट क्या हो सकता है, हमेशा